हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पोर्ट ब्लेयर में। इस जगह का नाम है टेलराबाद और टेलराबाद के आयुष हेल्थ सेंटर के पास मैं खड़ा हूं। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेलराबाद, तो ये जगह का पूरा नाम है। और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की केबल सभी भी ऊपर से ही जाती है, जैसे ऊपर देख पा रहे होंगे। ये जगह इतना पीसफुल है कि यहाँ पे दूर से भी मुर्गे की बांग की आवाज आ रही है। और जो मेरा कर्म भूमि है यहाँ का, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या काम करने आया हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ से विजिबल दिख रहा है, सामने एक एंटीना दिख रहा होगा बड़ा सा, एक टावर लगा है सामने, तो मैं वहाँ काम करके अभी आया हूँ। जो मैं काम अभी करके आया हूँ वो उसी साइट पे करके आया हूँ, तो काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है, वो दो तीन दिन में और हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर मौका लगेगा तो एक आध दिन मैं घूमूंगा, कोई जगह एक्सप्लोर करूँगा। ये जो गंदगी का प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ पे भी है। कोई भी चीज़ कहीं पे भी गिर देते हैं लोग। ये जैसे दिख रहा होगा, यहाँ जितने भी लोग टूरिस्ट आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी खाने पीने की चीज़ है, आपका पैकेट है, रैपर है, कुछ भी है, वो ऐसे कहीं भी ना फेंके। लोग घूमते हैं यहाँ पे, पीसफुल है, लोग ज़्यादा एंगेज होते नहीं हैं। दूसरे क्या करते हैं, कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं कुछ भी। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, और ये चीज़ जो है ये अच्छी नहीं है। हर किसी को अवॉइड करना चाहिए ऐसे लिटरिंग करना। मैंने कैब बुला रखी है, वो आने वाली है, तो जाने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो दिखा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ घूम सकते हैं। ये यहाँ तो आप नॉर्मल कहीं भी घूमेंगे तो सब जगह अच्छा लगेगा। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा होता है पोर्ट ब्लेयर में, एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो होती है सुपारी की। तो सुपारी जगह जगह मिल जाती है। ये शायद सुपारी के ही पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे होते हैं, फिर सूख जाते हैं तो रेड कलर हो जाता है। रेड कलर के बाद में उसको ओपन करके उससे सुपारी रिट्रीव कर लेते हैं। और सेकंड बिजनेस जो है ज़्यादा, वो है नारियल पानी का। नारियल पानी के पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो जिसके पास है वो लोग क्या करते हैं, अपना पेड़ से तोड़ा और सड़क के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं बेचने के लिए। एकदम प्योर फ्लेवर जो होता है, एकदम क्या बोलेंगे उसको हम, बिल्कुल फ्रेश जो उसको बोलेंगे कि पेड़ से टूट के और आपको दे दिया जो, वो होता है यहाँ पे, वो मिल जाता है। बहुत बढ़िया लगता है वो। कल मैंने पिया था, दो पिए थे मैंने एक साथ, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे एक नारियल पानी की किस्म अलग भी है, उसको ये किंग कोकोनट कहते हैं। किंग कोकोनट का कलर जो होता है वो हमारा रेडिश जैसा होता है, थोड़ा तो रेडिश होता है। और यहाँ सामने एक मुझे आम का शायद पेड़ दिख रहा है, ये इस पर दिख भी रहा है कि आम लगा हुआ है। नीचे जाके चेक करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, गिर ना जाऊं मैं। अभी दिखाता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है, ये देख, आम के ही पेड़ है, ये आम लगा हुआ है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। कच्चे कच्चे आम भी हैं, कुछ अलग कलर के भी हैं। कोई कुछ कहेगा नहीं तो एक मैं तोड़ लेता हूँ। पिलपिला दिख रहा है, खराब सा हो गया है, ये नहीं लूँगा। ज़्यादा पक्के आम टूट भी रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो ये हम वाइल्ड लाइफ के लिए छोड़ देते हैं, हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो मैं काम करने आया हूँ उसके लिए, दिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।